हम गांव बारूखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा के रहने वाले हैं। हम अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं जो समाज के कमजोर वर्ग हैं। मेरा नाम इंद्राज है। मैं पुलिस विभाग से एएसआई के पद से सेवानिवृत्त हूँ और महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा मुझे सन 1995 में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया था जो मैंने धारण किया हुआ है। यहाँ पर हमारी 9 परिवारों की 17 किले नहरी कृषि भूमि है। जिस स्थान में हम लोग खड़े हैं यह वो घटनास्थल है जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने भूमि की सिंचाई के लिए श्री दानाराम की सहमति से 45 वर्षों पूर्व मुरब्बा नंबर 53 किला नंबर 4 व 7 में से 2 किले लंबा खाल बनाया था। इस तारबंदी के अंदर की तरफ बने खाल से हम लोग 45 वर्षों से लगातार अपनी भूमि में सिंचाई करते आ रहे हैं। इस किला नंबर 7 की भूमि को करीब 2 वर्ष पहले सुरेंद्र कुमार जाट ने खरीद लिया था जो बहुत अमीर आदमी है और उसका बहनोई श्री प्रहलाद भांबू हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर है जो इस समय सुनारिया जेल में ड्यूटी कर रहा है। तारीख 4/7/21 को सुरेंद्र कुमार ने हमें जान से मारने की धमकी देकर इस खाल को ट्रैक्टर के हल से नष्ट कर दिया था। उसके साथ उसका नौकर महेंद्र लाठी लिए हुए बैठा था। खाल तोड़ने के बाद सुरेंद्र कुमार ने खाली भूमि को तारबंदी से घेर कर अवैध अतिक्रमण कर रखा है और इस तार के अंदर बिजली का करंट है, ये खंभे लगे हुए हैं। हमें यह खाल दोबारा नहीं बनाने दिया। तारीख 4/7/21 से 7 महीनों से हमारी जमीनों में चौटाला डिस्ट्रीब्यूटरी के मोगा नंबर 49600 लेफ्ट के नहरी पानी से सिंचाई नहीं हुई है और हमारी सब किस फसलें बर्बाद होने से हमारे परिवार भूखे मर रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे क्रूरता का शिकार हुए हैं, इनका भविष्य खराब हो गया है। हमारे पास खेती के अलावा जीवन यापन का और कोई साधन नहीं है। यह जो मानचित्र आप देख रहे हैं इसमें यह खाल सिंचाई विभाग के द्वारा इस खाल को दिखाया गया है, नीली शाही से दिखाया गया है। और इसके साथ ये वर्तमान में जो बाराबंदी बनी हुई है सिंचाई विभाग द्वारा वो ये है। इससे पहले वर्ष 2020 में ये बाराबंदी वर्तमान में चालू है। इस मानचित्र को सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2001 में जारी किया गया था। इस मानचित्र में हमारे खाल को रेखांकित किया हुआ है और इसी मानचित्र के अनुसार हमारे लिए बाराबंदी व नाके मंजूर हैं। मानचित्र बाराबंदी का चार्ट, मामले की रसीदें, गवाह ओम प्रकाश आदि पड़ोसी हमारे खाल को उपयोग करने के अमूर्त अधिकार व सिंचाई जल को उपयोग करने के अधिकार के ठोस सबूत हैं। ऐसा प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 86 और 87 और 90 में है। यह खाल आम जनता के सार्वजनिक उपयोग के लिए है। इस खाल को तोड़कर सुरेंद्र कुमार व महेंद्र कुमार ने हमारी सिंचाई की अवैध हानि पहुंचाकर
ये अत्याचार अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध किया है और लगातार धमकियां देकर भयभीत किया जा रहा है। यह अपराध आज तक भी जारी है। इस घटना में धारा 430, 431, 506 IPC, धारा 3(1)(g), धारा 3(2)(5)(a) SC/ST एक्ट का अपराध किया गया था। इस घटना की सूचना दस्ती व रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 5/7/21, दिनांक 10/7/21, दिनांक 22/7/21, दिनांक 11/8/21, दिनांक 20/12/21 को SHO थाना सदर डब्बवाली, श्रीमान SP साहब सिरसा व श्रीमान DC साहब सिरसा को दी गई थी। श्रीमान SP साहब ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए श्री देवीलाल SHO डब्बवाली को और श्री कुलदीप बेनीवाल पुलिस उप अधीक्षक डब्बवाली को, इनको आदेश दिए थे। परंतु इन दोनों पुलिस अधिकारियों ने आज तक FIR दर्ज नहीं की और पिछले 7 महीनों में कोई भी पुलिस अधिकारी घटनास्थल देखने नहीं आया है। प्रत्येक पुलिस को हमारे मौलिक अधिकारों व मानवाधिकारों का संरक्षण करने का कानूनी अधिकार है और धारा 149 CRPC के अनुसार संज्ञेय अपराध का निवारण करने के लिए बाध्य भी हैं। धारा 149 CRPC के अनुसार पुलिस अधिकारी न्याय हित में हमारा खाल खुदवाकर सिंचाई व्यवस्था चालू कर सकते थे, क्योंकि सुरेंद्र कुमार अमीर आदमी है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर का साला है। इसलिए श्री कुलदीप बेनीवाल पुलिस उप अधीक्षक व श्री देवीलाल SHO की मिलीभगत है। इस कारण इन दोनों पुलिस अधिकारियों ने हमारे साथ घटित हुई गंभीर घटना की FIR दर्ज नहीं की, जिसका परिणाम यह हुआ है कि अपराधी को कानूनी दंड से बचाया गया है। हमें भूखे मरने और भयभीत वातावरण में अपमानित जीवन जीने के लिए अवैध रूप से बाध्य किया गया है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार वह न्याय प्राप्त करने के अधिकार से वंचित किया गया है। इन दोनों पुलिस अधिकारियों ने कर्तव्यहीनता करते हुए धारा 166A, 217 IPC, धारा 3(2)(5)(a) व धारा 4 SC/ST एक्ट का अपराध किया है। हरियाणा सरकार या पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। हम FIR दर्ज करवाकर न्याय प्राप्त करने के लिए इस ज्ञापन को ऑडियो वीडियो द्वारा माननीय गृह मंत्री हरियाणा सरकार, श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सिरसा व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिरसा को भेज रहे हैं। आज हम FIR दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को पेश करेंगे। हमारे पहले के प्रार्थना पत्रों पर कोई भी दोषी पुलिस अधिकारी कार्रवाई ना करे, उनको सुरक्षित रखा जाए। सभी गुप्तचर एजेंसियां ये नोट करें, हल्का डब्बवाली में शासन व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। हमारे साथ और कई तरह के अत्याचार हुए हैं और बहुत सी अत्याचार की कहानियां हैं जो सरकार को अवगत कराई जाए। आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। भारत का गणतंत्र उन लोगों के लिए है जिनको सत्ता का सुख मिला हुआ है, उन निष्ठाहीन लोगों के लिए जो बिना काम किए सरकार से वेतन ले रहे हैं, और उन समाजकंटक अपराधियों के लिए है जिनको कानूनों का उल्लंघन करने के लिए खुला छोड़ रखा है। समाज के उन गरीब कमजोर वर्गों के लिए कोई गणतंत्र दिवस नहीं है जो अपनी थोड़ी सी भूमि में खाने का अनाज पैदा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, भूखे मरने को मजबूर किए गए हैं, न्याय न मिलता हो और अपनी गरिमा खोने पर सिर झुकाकर अपमानजनक जीवन जी रहे हों। इन परिस्थितियों में हमारे लिए गणतंत्र दिवस के कोई मायने नहीं है। इसलिए हमने आज काले झंडे लेकर काला दिवस मनाया है।
कानून व्यवस्था की गिरावट की स्थिति खेदजनक है। मानवाधिकार अधिनियम सन 1993 से लागू है, परंतु 28 वर्ष बीत जाने के बाद भी हरियाणा राज्य की अभी तक की सभी सरकारों ने हरियाणा राज्य में SC/ST आयोग का गठन नहीं किया है। मानवाधिकार आयोग से प्रार्थना की जाती है कि हमारे मानवाधिकारों को शीघ्र लागू कराने के लिए आज ही संज्ञान ले और हमारे मानवाधिकारों का संरक्षण करे। मैं पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हूँ। मेरे द्वारा रिपोर्ट देने पर अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो मैं सरकार से और पुलिस के उच्च अधिकारियों से यह प्रश्न करता हूँ कि क्या आम आदमी को ऐसे ही न्याय मिलता होगा? यह स्थिति बेहद खराब है। जय हिंद, नमस्कार। नारा लगाओ पुलिस, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद।